वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? एक बार कमेंट कर दीजिए, फटाफट आ जाइए आप लोग। आवाज़ आ रही हो तो एक बार कमेंट कर दीजिए। गुड इवनिंग प्रिया। अमीशा, प्रतिभा, अमरीश, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिसको ज्वाइन करना होगा वो आ जाएगा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और मैंने आपको कुछ उनके बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, लाइक कि उन्होंने किस प्लांट पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, कितने इयर्स तक उनका एक्सपेरिमेंट चला था, उनका वर्क कब पब्लिश हुआ था। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने कितने पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे और इसके बाद जो 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उन्होंने चूज़ किया था उनके जीन्स किस किस क्रोमोजोम पे थे। ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। फिर कुछ और चीज़ें हमने डिस्कस किया था, लाइक टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और टाइप्स ऑफ गैमेट के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था। अब जरा मुझे बताइएगा, एक सवाल है आप लोगों से, टाइप्स ऑफ गैमेट्स हम लोगों ने ये सीखा था, टाइप्स ऑफ गैमेट्स। अच्छा ये बताइएगा, व्हाइट कलर से विजिबिलिटी है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? व्हाइट कलर से दिख रहा है या मैं कोई और कलर यूज करूं? टाइप्स ऑफ गैमिट हम लोग कैसे निकाले थे? टाइप्स ऑफ गैमिट इज इक्वल टू 2 to the power n, ये हमने किया था, वेयर n इज द नंबर ऑफ हेटरोजाइगोट्स, ये हमने बताया था, नंबर ऑफ हेटरोजाइगोट। और मैंने ये भी बताया था किस तरीके से आपको काउंट करना है टाइप ऑफ गैमेट वाला, ठीक है? अब देखिए, नॉट फुली क्लियर, ओके, ब्लैक कलर पे ही यूज करते हैं हम लोग, ब्लैक कलर यूज करते हैं। अभी दिख रहा होगा शायद, अभी दिख रहा है, एक बार क्लियर कर दीजिए, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट। गुड इवनिंग विपिन, अभी दिख रहा है, ओके। चलिए देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग आज डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मेंडल, ठीक है? लॉज ऑफ मेंडल या प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने जो प्रिंसिपल दिया था उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, या फिर इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखो, ध्यान से समझना इस चीज को, एक्चुअली मेंडल के कितने लॉ हैं इसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सी हैं। कुछ बुक्स में दिया रहता है कि मेंडल के केवल 2 ही लॉ हैं, कुछ बुक्स में दिया रहता है कि मेंडल के 3 लॉ हैं। तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे मेंडल के 3 लॉ हैं, ठीक है? अब ये लॉ जो है वो किस पे बेस्ड है, तो हम यहाँ से देखेंगे, ये जो लॉ है मेंडलियंस लॉ, ये 2
थ्योरी पे बेस्ड। पहला है बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड सेकेंड इज द बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए, ये बताना इसलिए जरूरी है कि कभी कभी आपसे मेंडल का लॉ पूछता है और पूछता है कि ये वाला लॉ किस क्रॉस पे बेस्ड है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है, कौन सा लॉ डाईहाइब्रिड क्रॉस पे बेस है। मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है अगर आप केवल एक कैरेक्टर को लेकर चलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे मैंने कहा था कि मेंडल ने क्या लिया था, हाइट लिया था। अब हाइट एक कैरेक्टर है, ठीक है, हाइट एक कैरेक्टर है और इसके दो ट्रेट हैं, एक टॉल और एक ड्वार्फ, ठीक है। तो यहां पे केवल एक कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, जिस क्रॉस में केवल एक कैरेक्टर लेके चलेंगे उसको हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आगे हम लोग और भी देखेंगे कि डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में दो क्रॉस इन्वॉल्व होगा, ठीक है, दो कैरेक्टर इन्वॉल्व होगा, सॉरी। अब आप देखिए यहां पे मेंडल का जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, यहां पे कुछ लॉ हैं जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड हैं, कुछ डाईहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड हैं। अच्छा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे कौन सा लॉ बेस्ड है वो देख लेते हैं हम लोग। तो पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एकदम अटेंटिव होके देखिए आप लोग, बहुत आसान है, अभी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो पहला मैंने बताया लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को और क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है। तो आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए कि मेंडल के कितने लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड हैं। तो यहां से आपको ये पता होना चाहिए कि मेंडल का दो लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, ये दोनों मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये होता है जिसमें केवल एक कैरेक्टर लेके चलते हैं, ठीक है। दूसरा है बेस्ड ऑन डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस पे मेंडल का थर्ड लॉ बेस है, उसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या फिर इसी को कहते हैं लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन। ओके, यहां तक चीजें समझ लीजिए और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चीजों को देखिए, अभी आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए, पढ़ते रहिए, वीडियो वैसे अपलोडेड रहता है यूट्यूब पे, आप वहां से देख भी सकते हैं दोबारा। तो देखिए, मेंडल के तीन प्रिंसिपल्स हैं या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस तीन है। पहला क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया, चलिए अब आगे मूव करते हैं। पहला लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो देखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, इसको ध्यान से समझना। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू मेंडल, मेरी बात को ध्यान से सुनना है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब ये है कि जब कभी हम प्योर डोमिनेंट को प्योर रेसेसिव से क्रॉस कराते हैं, बात को सुनना, प्योर डोमिनेंट को मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, प्योर डोमिनेंट, यहाँ पे मैं डोमिनेंट लिख दे रही हूँ, का क्रॉस हम प्योर रेसेसिव से कराते हैं, प्योर रेसेसिव। अब जरा मुझे बताना, प्योर डोमिनेंट का मतलब क्या है, जब दोनों एलील सेम हो और दोनों एलील डोमिनेंट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्योर डोमिनेंट। तो मान लीजिए हम प्लांट का ही केस लेके चलते हैं, प्लांट की हाइट, तो प्लांट की हाइट हमने ले लिया, प्योर डोमिनेंट है ये, ठीक है, और ये प्योर रेसेसिव है, ये वाला क्या है, स्मॉल टी वाला क्या है, प्योर रेसेसिव। तो मेंडल का कहना ये था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब ये है कि अगर हम किसी प्योर डोमिनेंट को प्योर रेसेसिव से क्रॉस कराते हैं, प्योर डोमिनेंट को प्योर रेसेसिव से क्रॉस कराते हैं,
तो F1 जनरेशन में ऑलवेज डोमिनेंट कैरेक्टर आता है। क्या आता है? डोमिनेंट कैरेक्टर आता है, डोमिनेंट कैरेक्टर आता है। तो मेंडल का कहना ये था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब ये है कि अगर हम प्योर डोमिनेंट को प्योर रिसेसिव से क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में केवल और केवल डोमिनेंट कैरेक्टर आता है। जैसा कि हमें पता है भी है कि F1 जनरेशन में ये आता है कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये डोमिनेंट ही है। डोमिनेंट का मतलब क्या है? प्लांट की हाइट की अगर हम बात करें तो ये टॉल ही आएगा। तो कहते हैं कि F1 जनरेशन में मिक्सचर ऑफ कैरेक्टर नहीं आते हैं या ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर नहीं आता है, F1 जनरेशन में केवल और केवल डोमिनेंट कैरेक्टर आता है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, बस इतनी इतना सा आपको समझना है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या है कि अगर हम प्योर डोमिनेंट को प्योर रिसेसिव से क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में केवल डोमिनेंट कैरेक्टर आता है। इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनना है आप लोगों को। मेंडल ने अपना वर्क कब पब्लिश किया था? ये मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था, 1865 में इनका वर्क पब्लिश हुआ था। और मेंडल का वर्क कब से कब तक चला था? 1856 से लेके 1863 तक, 7 ईयर तक इनका वर्क चला था। ये सब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए। और इनका वर्क पब्लिश कब हुआ था? 1865 में। लेकिन इनके वर्क पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। 1900 तक इनका वर्क जो है, इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया वो अनरिकग्नाइज था। और बहुत सारे साइंटिस्ट ने इनके काम पे इसलिए ध्यान नहीं दिया कि मेंडल कुछ ऐसी बातें कर गए थे जो जो वैज्ञानिकों को बिलीव नहीं होता था। जैसे मेंडल कहते थे कि F1 जनरेशन में केवल डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना ये था कि F1 अगर केवल डोमिनेंट कैरेक्टर अपियर होता है तो और सारे कैरेक्टर कैसे आते हैं? भाई कहने का मतलब, कोई टॉल है, कोई ड्वार्फ है, अगर दूसरी अगर केवल और केवल क्रॉस कराने पे केवल डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा तो इंटरमीडिएट कैरेक्टर भी तो आते हैं, ऑर्गेनिज्म में इंटरमीडिएट कैरेक्टर भी तो आते हैं, वो कहाँ से आता है? मतलब ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर कहाँ से आता है? तो मेंडल के बहुत से, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि मेंडल क्यों फेल हो गए थे, मेंडल का वर्क पे किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया था, ये चीजें मैं आगे आपको बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। और मेंडल ने ये भी कहा था कि अगर इसका पहला चीज तो आपको ये पता चल गया कि प्योर डोमिनेंट को प्योर रिसेसिव से क्रॉस कराएंगे तो केवल डोमिनेंट कैरेक्टर आता है। दूसरा, इन्होंने कहा था कि जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर ऑलवेज इन पेयर, हमेशा कैसे होते हैं? ऑलवेज इन पेयर होते हैं। जैसा मैंने यही आपको बताया कि फैक्टर, मेंडल जीन को क्या कहा करते थे? फैक्टर कहा करते थे। और उन्होंने कहा फैक्टर हमेशा पेयर में होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि ये फैक्टर है, ये पेयर में है, ये पेयर में है। तीसरा, उन्होंने ये कहा था, ध्यान से समझना, कि जो डिससिमिलर पेयर होते हैं, डिससिमिलर पेयर, जो डिससिमिलर पेयर होता है ऑलवेज डोमिनेंट कैरेक्टर को कोड करता है, ऑलवेज डोमिनेंट कैरेक्टर को कोड करता है। इसको जरा समझना आप लोग, तो इसको समझना। तीन चीजें मैंने बताई, दूसरा मैंने बताया फैक्टर हमेशा पेयर में होते हैं, डिससिमिलर पेयर ऑलवेज डोमिनेंट कैरेक्टर को कोड करता है, मेंडल का ये कहना था। डिससिमिलर पेयर का मतलब देखिए, डिससिमिलर पेयर का मतलब ये हो गया ना, एक कैपिटल हो और एक स्मॉल हो, ये डिससिमिलर पेयर है। तो डिसिमिलर पेयर हमेशा क्या कोट करता है? डोमिनेंट कैरेक्टर को कोट करता है, डोमिनेंट कैरेक्टर को कोट करता है। यहां तक चीज समझ में आ गई है? लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ में आ गया? लॉ ऑफ डोमिनेंस। गुड इवनिंग विष्णु। अब देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस के भी कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, इनके भी कुछ एक्सेप्शन, हर एक लॉ का कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है। कोई भी लॉ जो है वो यूनिवर्सल नहीं होता है, उसका कुछ ना कुछ एक्सेप्शन जरूर होता है। तो इस लॉ का कुछ एक्सेप्शन है, वो हम देखेंगे कि इसका एक्सेप्शन क्या क्या है। तो आगे देखते हैं इसका एक्सेप्शन क्या है, आइए जरा ध्यान से देखते हैं इसको। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन देखते हैं। देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस के दो एक्सेप्शन है जो हमें अभी पढ़ने हैं। पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस,
और दूसरा है को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा है को डोमिनेंस। तो ये दोनों लॉ ऑफ डोमिनेंस के क्या हैं, एक्सेप्शन है। अब हम लोग जरा देख लेते हैं कि क्या है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है और को डोमिनेंस क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को अच्छे से समझना है। जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहता है कि अगर हम प्योर डोमिनेंट को प्योर रेसेसिव से क्रॉस कराते हैं, प्योर रेसेसिव से क्रॉस कराते हैं, तो F1 जनरेशन में इंटरमीडिएट कैरेक्टर आता है, मतलब दोनों का मिक्सचर आता है। ठीक है, जबकि मेंडल ने क्या कहा था, प्योर डोमिनेंट को प्योर रेसेसिव से क्रॉस कराते हैं तो केवल डोमिनेंट आता है, उन्होंने बस ये कहा था। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहता है कि अगर हम प्योर डोमिनेंट को प्योर रेसेसिव से क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में इंटरमीडिएट कैरेक्टर आता है, मतलब कैरेक्टर्स की ब्लेंडिंग हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर, ये किसको शो करता है, ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, यहाँ पे क्या हो जाता है, कैरेक्टर्स की ब्लेंडिंग हो जाती है। जैसे ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्व बाई कार्ल कोरेंस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ऑब्जर्व किया था। और कहाँ पे किया था, इन फोर ओ क्लॉक प्लांट, और जिसका साइंटिफिक नेम है मिराबिलिस जलापा, याद रखना मिराबिलिस जलापा। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कार्ल कोरेंस ने, किसमें किया था, फोर ओ क्लॉक प्लांट में, और उसका साइंटिफिक नेम क्या है, मिराबिलिस जलापा। ओके, अब देखिए जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल, मैं उसको लेके चल रही हूँ। एनसीईआरटी में इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, याद रखना आपसे डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। फ्लावर कलर इन स्नैप ड्रैगन को डॉग फ्लावर कहते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, डॉग फ्लावर, ठीक है। और इसका साइंटिफिक नेम है एंटिरहिनम मेजस। आपके एनसीईआरटी में इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, फ्लावर कलर इन स्नैप ड्रैगन, और जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, एंटिरहिनम मेजस, और इसका कॉमन नाम क्या है, डॉग फ्लावर। अब ये कैसे दिया हुआ है, इसको देखिए, इन्होंने कहा अगर यहाँ पे रेड कलर के फ्लावर को वाइट कलर से क्रॉस कराते हैं, ठीक है, वाइट कलर, अब रेड कलर को मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल आर से शो किया गया है, और वाइट कलर को मान लीजिए यहाँ पे स्मॉल आर से शो किया गया है, क्योंकि ये डोमिनेंट है, ठीक है, ये डोमिनेंट कलर है और ये क्या है, रेसेसिव कलर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या होना चाहिए, अगर हम डोमिनेंट को रेसेसिव से क्रॉस करा रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू मेंडल F1 जनरेशन में रेड कलर आना चाहिए। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग F1 जनरेशन में क्या आना चाहिए, रेड कलर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे रेड कलर ना आके यहाँ पे आता है पिंक कलर, यहाँ पे क्या आता है, पिंक कलर। जीनोटाइप इसका क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, एक आर यहां से आ गया, एक आर यहां से आ गया। तो अब बताइए ये पिंक कलर क्या है, पिंक कलर इंटरमीडिएट कलर है, रेड और व्हाइट के बीच का इंटरमीडिएट कलर है ना। तो ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ना ही प्योर डोमिनेंट आएगा ना ही प्योर रेसेसिव आएगा, क्या आएगा, दोनों के बीच का इंटरमीडिएट आएगा, यही कहलाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मेरी बात अगर अच्छे से समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, कि मेंडल के अकॉर्डिंग ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन हो गया ना,
लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन यही हुआ कि डोमिनेंस के अकॉर्डिंग तो एफ1 जनरेशन में बस डोमिनेंट कैरेक्टर आना चाहिए, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अकॉर्डिंग एफ1 जनरेशन में यहाँ पे क्या हुआ, दोनों के बीच का इंटरमीडिएट कैरेक्टर आया। अब जरा इसको देखते हैं हम लोग, अगर हम ये तो एफ1 जनरेशन की बात होगी, ये एफ1 जनरेशन की बात होगी, ठीक है। अब हम इसकी सेल्फिंग करा दें। सेल्फिंग मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, सेल्फिंग कैसे कराते हैं। अब जितने भी यहाँ पे प्लांट्स आए होंगे उनको आपस में ही क्रॉस करा दीजिए। तो बताइए, आपस में क्रॉस कराने का मतलब जो मेल है उसको फीमेल से आप क्रॉस कराएंगे, तो मेल का जीनोटाइप भी यही होगा और फीमेल का जीनोटाइप भी यही होगा, क्योंकि प्लांट तो सेम है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मेल और फीमेल मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। अब जीनोटाइप दोनों का सेम है तो यहाँ पे कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, मेल में कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, ये जरा मुझे पूछना है आप लोगों से, जरा बताइए मुझे कितने टाइप के गैमेट बनेंगे यहाँ पे। कितने टाइप के गैमेट बनेंगे फटाफट बता दीजिए। कमेंट आया नहीं है आप लोगों का, कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक हेटरोजाइगोट है ना, एक हेटरोजाइगोट है तो दो टाइप के गैमेट बनेंगे, टू टू द पावर वन, दो टाइप के गैमेट बनेंगे, तो मेल में कैपिटल आर स्मॉल आर और फीमेल में भी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब आप इसको क्रॉस कराओगे तो कॉम्बिनेशन कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब आपको जरा यहाँ पे देखना है, एक चीज ऑब्जर्व करना है, वो चीज़ क्या है कि अगर हम यहाँ से देखें, इसका दोनों का रेशियो निकालें, फीनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो, तो अब जरा मुझे बताइए यहाँ पे फीनोटाइपिक का मतलब क्या हुआ। एक्सटर्नल अपियरेंस हमने बताया था पिछले लेक्चर में आपको, फीनोटाइपिक का मतलब होता है एक्सटर्नल अपियरेंस। तो बताइए एक्सटर्नल, ये कैसा फ्लावर होगा, ये रेड होगा, ये कैसा होगा, रेड होगा। ये कैसा है, ये पिंक है, ये कैसा है, पिंक है, और ये कैसा होगा, वाइट होगा। तो फीनोटाइप में बाहर से इसका अपियरेंस एक रेड, दो पिंक और एक वाइट, मतलब 1:2:1। फीनोटाइपिक रेशियो भी इसका कितना आएगा, 1:2:1। और इसका जीनोटाइप देखिए, एक जीनोटाइप का मतलब जेनेटिक मेकअप, तो एक जैसे है, एक जैसे है और दो एक जैसे है, तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो भी कितना हो जाएगा, 1:2:1। मतलब यहाँ पे फीनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं। फीनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का पहले आपको एग्जाम्पल पूछता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में किसमें किसमें होता है, तो आपको बताना होगा फोर ओ क्लॉक प्लांट में होता है, इसके अलावा डॉग फ्लावर में होता है, ठीक है। और कब आपसे पूछता है कि इसका फीनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो पूछता है, जैसा कि मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का या लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग अगर हम फीनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो देखें, तो फीनोटाइपिक रेशियो हमें वहां पे 3:1 मिला था, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 मिला था, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फीनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हैं, तो दिस इज अबाउट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये हो गया हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओके। अब हम आगे मूव करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार ध्यान से, यहां से ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब हम आगे चलते हैं, अब हम दूसरा क्या देते हैं, इसका दूसरा एक्सेप्शन है कोडोमिनेंस, इसका दूसरा एक्सेप्शन है कोडोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का पहला एक्सेप्शन था इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा एक्सेप्शन क्या है, कोडोमिनेंस।
कोडोमिनेंस को जरा देख लेते हैं हम लोग, व्हाट इज कोडोमिनेंस। अच्छा देखिए, कोडोमिनेंस का मतलब ये होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना है, कोडोमिनेंस का मतलब ये है कि यहाँ पे दोनों कैरेक्टर इक्वली एक्सप्रेस होते हैं एफ वन जनरेशन में। मेरी बात को समझना है। देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता था, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता था, डोमिनेंस वाला लॉ कहता था कि ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर, ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा, ठीक है। उसके बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहता था इंटरमीडिएट कैरेक्टर आएगा, ठीक है, इंटरमीडिएट आएगा। लेकिन कोडोमिनेंस कहता है बोथ कैरेक्टर्स इक्वली एक्सप्रेस्ड, मतलब ना तो केवल डोमिनेंट आएगा ना केवल रिसेसिव आएगा, बल्कि दोनों कैरेक्टर इक्वली एक्सप्रेस होंगे। इक्वली एक्सप्रेस का मतलब ये वाला भी कैरेक्टर होगा, ये वाला, दोनों का मिक्सचर भी नहीं होगा, दोनों कैरेक्टर क्या होंगे, इक्वली एक्सप्रेस होंगे। आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल अलग से बता दे रही हूँ, जिससे आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कोडोमिनेंट, को का मतलब होता है इक्वल, है ना, साथ साथ, तो दोनों कैरेक्टर क्या होते हैं, बोथ कैरेक्टर्स इक्वली एक्सप्रेस होते हैं। अब जैसे आपने कभी कैटल देखा है जिसमें गाय को आपने देखा होगा, ठीक है, एक ऐसी भी गाय होती है, जैसे ब्लैक गाय देखा होगा, रेड देखा होगा आपने, लेकिन कुछ गायें ऐसी होती हैं जिसमें ब्लैक वाइट या फिर आप कह सकते हैं रेड वाइट के पैचेस भी होते हैं ना, ऐसा आपने देखा होगा, या ब्लैक वाइट के पैचेस भी होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं रोन कलर इन कैटल। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रोन कलर इन कैटल। अब इसको देखिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल पढ़ाने से पहले मैं आपको यही एग्जाम्पल बताऊंगी, जिससे आप एकदम आपको समझ में आ जाएगा। रोन कलर इन कैटल का मतलब देखिए, कोई ब्लैक कैटल है, ठीक है, ब्लैक, और कोई वाइट है। मान लीजिए ब्लैक को हमने कैपिटल बी से और वाइट को हमने स्मॉल बी से डिनोट कर दिया। ये डोमिनेंट है, ठीक है, ये डोमिनेंट है, ये कैरेक्टर इसका डोमिनेंट है और ये कैरेक्टर इसका रेसेसिव है। अब क्या होता है, जब इनका क्रॉस होता है तो एफ वन जनरेशन में कैपिटल बी और स्मॉल बी ही आएगा, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं रोन कलर। रोन कलर का मतलब ये है कि इसमें ब्लैक प्लस वाइट दोनों आता है, ब्लैक प्लस वाइट दोनों कलर आता है। आपने ऐसी कैटल देखी होगी जिसमें ब्लैक वाइट, इसको कहते हैं मोजैक कैरेक्टर। क्या कहते हैं, मोजैक कैरेक्टर, मतलब दोनों साथ साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं। दोनों अगर कैरेक्टर साथ साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस कहते हैं। मेरी बात को अच्छे से समझना है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोन कलर, ठीक है। अब जैसे इसकी सेल्फिंग अगर करा दी जाए तो वापस से हमें कैसे करेक्टर मिलेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी, यही मिला। तो अगर यहां पे भी हम फिनोटाइपिक रेशियो देखें और जीनोटाइपिक रेशियो देखें, ठीक है, तो यहाँ पे भी फिनोटाइप में देखिए, ये ब्लैक होगी, ये रोन कलर होगा, ये भी रोन कलर होगा और ये वाइट होगा, है ना। तो फिनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1 है और जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1। तो आपसे पूछता है कि ऐसा कौन सा लॉ है जिसमें फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो दोनों सेम है, तो आपको बताना होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी होता है और कोडोमिनेंस भी होता है। तो एक एग्जांपल तो हो गया रोन कलर इन कैटल, ठीक है, रोन कलर इन कैटल। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है उसको हम लोग जरा देख लेते हैं। एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है पढ़ लीजिए, ठीक है।
पढ़िए कमेंट, बाद में कोई डाउट होगा बाद में पूछना है, कमेंट करते करते आप लोगों का दिमाग उड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एनसीईआरटी में जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है वो एग्जाम्पल बड़ा मजेदार है। वो एग्जाम्पल क्या है इसको हम लोग देखें। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में ब्लड ग्रुप, क्या दिया है ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, या फिर आपको दिया है एबीओ ब्लड ग्रुप। लेकिन एबीओ ब्लड ग्रुप में कंप्लीट एबीओ ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल नहीं है, कंप्लीट एबीओ ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस का एग्जाम्पल नहीं है, केवल और केवल एबी ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप जो है वो को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। वो किसका एग्जाम्पल है, को डोमिनेंस का, वो एग्जाम्पल है को डोमिनेंस का। किसी ने उस दिन पूछा था ना हमसे कि एबीओ ब्लड ग्रुप को प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, नहीं दे सकते, अभी मैं बताऊंगी, ठीक है, बस आप ध्यान से समझना। कंप्लीट ब्लड ग्रुप को आप को डोमिनेंस का एग्जाम्पल नहीं बता सकते, केवल एबी ब्लड ग्रुप जो है वो को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। अब जरा हम एबीओ ब्लड ग्रुप को समझते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप इज एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म, मल्टीपल एलिलिज्म। पहले ये देख लेते हैं, हम लोग समझते हैं इसको, अभी मैं कोडोमिनेंस के बारे में बताऊंगी, लेकिन जैसे जैसे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ वैसे वैसे हम लोग पढ़ेंगे इसको। एबीओ ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलिलिज्म का। अब मल्टीपल एलिलिज्म क्या कहता है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जब कभी एक जीन के मोर देन टू अलील्स हों, मोर देन टू अलील्स हों, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल अलील्स, और इस इनहेरिटेंस को कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। तो एक जीन के अगर दो से ज्यादा अलील हों, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि मेंडल के अकॉर्डिंग एक जीन के केवल दो ही अलील्स हो सकते हैं, और अलील्स कहाँ होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, अलील्स होते क्या हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन जो कहाँ पे होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोजोम पे, सेम साइट पे प्रेजेंट होते हैं। थोड़ा सा पढ़ते रहिए, ठीक है। अब देखिए एक जीन के अगर दो से ज्यादा एलील हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलिज्म। अगर मैं बात करूं एबीओ ब्लड ग्रुप, देखिए ध्यान से समझना, एबीओ ब्लड ग्रुप को एक जी के लिए एक, ये एक कैरेक्टर है, एबीओ ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टर है, इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, जीन वो होता है आई, मतलब एक कैरेक्टर है जिसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो जीन का नाम है आई, जस्ट सपोज करिए आप, ओके। अब इस जीन के तीन अल्टरनेटिव फॉर्म है, इस जीन के तीन अल्टरनेटिव फॉर्म है, लेकिन पहले हम क्या बताते थे, जीन के केवल दो ही अल्टरनेटिव फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन अब यहां पे हम देखते हैं दो से ज्यादा फॉर्म है इसके। कौन कौन से हैं, एक है आई ए, एक है आई बी, और है एक है आई ओ। इस जीन के तीन अल्टरनेटिव फॉर्म हैं, ओके, आई जीन के। अब इसको हम लोग क्या देखते हैं, ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है। यहां पे ध्यान से देखना, ये डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, और ये रेसेसिव है। अब यहां से नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन था, वो मैं आपको बताऊंगी भी अभी। जैसे देखिए ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट, मतलब ये दोनों क्या हैं, इक्वली डोमिनेंट, ये दोनों इक्वली डोमिनेंट हैं। और ओवर आई ओ, ओवर आई ओ, अब हम कैसे इसको कह सकते हैं, इसको जरा ध्यान से देखना, आई ए इज इक्वली डोमिनेंट टू आई बी, पहली चीज, ठीक है। दूसरा चीज ये है, आई ए इज डोमिनेंट ओवर आई ओ एंड आई बी इज डोमिनेंट ओवर आई ओ, ठीक है, दूसरा चीज ये हो गया। मतलब कहने का मतलब है ये दोनों इक्वली डोमिनेंट हैं, इक्वली डोमिनेंट हैं, और ये दोनों डोमिनेंट हैं किससे, आई ओ से, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। अब क्या होता है, जैसे हमें पता है, हम लोग ब्लड ग्रुप पढ़े हुए हैं ना, हमें पता है कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, ओ है, तो वो ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमाइन होता है,
तो जरा ध्यान से समझना, जैसे जो आई ए है, ठीक है, आई ए है वो क्या करता है, आई ए क्या करता है, वो आरबीसी के सरफेस पे एक ऑलिगोसैकेराइड बनाता है, ठीक है, एक ऑलिगोसैकेराइड बनाता है और इस ऑलिगोसैकेराइड को कहते हैं ए एंटीजन। क्या कहते हैं? ए एंटीजन। याद रखना, आपसे पूछा जाता है कि एंटीजन क्या होता है, होता है ना, आपसे पूछा जाता है कि एंटीजन क्या होता है, तो आप कह देते हो कि एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट एक प्रोटीन है। प्रोटीन नहीं है ये, एक कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आई ए डोमिनेंट है और ये आई ए क्या बनाता है, आरबीसी के सरफेस पे एक ऑलिगोसैकेराइड बनाता है और इसी को हम लोग कहते हैं ए एंटीजन। और जिसकी आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन होगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं, उसका ब्लड ग्रुप हम मान लेते हैं ए ब्लड ग्रुप। उसका ब्लड ग्रुप क्या मान लेते हैं? ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जो आई बी है, आई बी वो आरबीसी, वो भी आरबीसी के सरफेस पे वो भी एक ऑलिगोसैकेराइड बनाता है और उस ऑलिगोसैकेराइड का नाम है बी एंटीजन। और बी एंटीजन की प्रेजेंस की वजह से इनका ब्लड ग्रुप हम कह देते हैं बी ब्लड ग्रुप है। इनका ब्लड ग्रुप क्या है? बी ब्लड ग्रुप है। अब देखिए क्या है, आगे देखते हैं। जो आई ओ है, ठीक है, आई ओ क्योंकि ये रेसेसिव है, रेसेसिव है तो ये कोई भी एंटीजन नहीं बना पाता, ये कोई भी एंटीजन नहीं बना पाता। इसीलिए हम कहते हैं कि जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है, उनमें कोई एंटीजन नहीं होता, नो एंटीजन, उनमें कोई एंटीजन नहीं होता। ये तो हमें पता है ना, ओ ब्लड ग्रुप वालों के पास एंटीजन कहाँ, क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप वाला आई ओ से कोड होता है और आई ओ रेसेसिव है, रेसेसिव है तो कोई एंटीजन बना नहीं पाता। लेकिन अब सबसे मजेदार बात क्या है, जिनका ब्लड ग्रुप देखिए ए बी होता है, ए बी, उनमें क्या होता है, ये आई ओ आई ए भी होता है और आई बी भी होता है, ठीक है। अब क्या होता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले का जीनोटाइप यही होता है, ये ए एंटीजन भी बनाते हैं और बी एंटीजन भी बनाते हैं, ए और बी दोनों बनाते हैं। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले के सरफेस, आरबीसी के सरफेस पे, ए बी ब्लड ग्रुप वालों के आरबीसी के सरफेस पे दोनों एंटीजन बन रहा है, क्या ए भी बन रहा है, बी भी बन रहा है, मतलब दोनों इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि ए और बी का मिक्सचर हो जा रहा है, ए भी एक्सप्रेस हो रहा है, बी भी एक्सप्रेस हो रहा है, दोनों इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं। इसीलिए ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, इसीलिए ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, समझ में आ रहा है? शुगर, शुगर वही चीज है भाई, शुगर का मतलब ऑलिगोसैकेराइड एक शुगर ही तो है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हो, कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर, उसमें पॉलीसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड, तो शुगर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कहो कि चलो ठीक, इज इट क्लियर? तो ए बी वाला देखो, ए बी ब्लड ग्रुप क्या, कौन सा इनहेरिटेंस शो कर रहा है, कोडोमिनेंस, क्या शो कर रहा है, कोडोमिनेंस। क्यों कोडोमिनेंस शो कर रहा है, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप वाले का जीनोटाइप आई ए और आई बी होता है, जिसमें आई ए और आई बी दोनों इक्वली डोमिनेंट हैं, मतलब दोनों इक्वली एक्सप्रेस होते हैं, तो ए और बी एंटीजन दोनों बनता है, इसी को हम लोग कहते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब दोनों अलील्स अगर इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कोडोमिनेंस। क्या कहते हैं? कोडोमिनेंस। इज इट क्लियर? अब आप देखना जरा, आपके नीट में जो क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत जल्द हम लोग यहाँ पे पूरे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, एक एक चैप्टर के क्वेश्चन, क्योंकि जैसे ही ये जेनेटिक्स खत्म होता है ना, मैं शुरुआत कर दूंगी, हम लोग एनसीईआरटी रीड करेंगे, जैसे एनसीईआरटी एज इट इज रीड करेंगे फिर उसी का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अभी तो मैं बस ऐसे बोर्ड टीचिंग करा रही हूँ, है ना, अभी तो मेरे डिजिटल बोर्ड लगवाने का कोई मतलब ही नहीं है,
सिंपल सा मैं बोर्ड टीचिंग करवा रही हूँ, लेकिन जल्दी ही जैसे ही ये 4-6 दिन में खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा यूनिट, वैसे ही हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे और उसके बाद हर एक चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप है वो कौन कौन सा इनहेरिटेंस शो करता है, कौन कौन सा इनहेरिटेंस शो करता है। तो पहला तो सबको पता है कि ये को डोमिनेंस शो करता है ना, को डोमिनेंस, क्योंकि इसमें जो ए बी ब्लड ग्रुप है दोनों इक्वली एक्सप्रेस होते हैं, तो पहला ये को डोमिनेंस शो करता है। अब देखिए, अब नहीं, क्वेश्चन ऐसे दिया था, मैं थोड़ा सा वक्त लूंगी, क्वेश्चन ये दिया था एबीओ ब्लड ग्रुप में 4 कैरेक्टर दिए थे, को डोमिनेंस, ठीक है, दूसरा कैरेक्टर दिया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तीसरा कैरेक्टर दिया था डोमिनेंस, और चौथा कैरेक्टर दिया था मल्टीपल अलील्स, मल्टीपल अलीलिज्म, मल्टीपल अलीलिज्म। अब इसमें ये क्वेश्चन है कि इसमें से एबीओ ब्लड ग्रुप कौन सा इनहेरिटेंस, कौन कौन सा इनहेरिटेंस शो करता है, पहला पहला सवाल, या फिर इसे दूसरे तरीके से कह दीजिए कि कौन सा इनहेरिटेंस शो नहीं करता है, एबीओ ब्लड ग्रुप कौन सा इनहेरिटेंस शो नहीं करता है। आप ऑप्शन देखिए और प्लीज फटाफट से जवाब दे दीजिए, जल्दी से देखती हूँ। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। बताइए जल्दी से, इसमें से एबीओ ब्लड ग्रुप कौन सा इनहेरिटेंस शो नहीं करता, या कौन कौन सा इनहेरिटेंस शो करता है, इस 4 कैरेक्टर को देख के बताइए। Doesn't show two. अमीशा का आंसर आया है कि दूसरा कैरेक्टर शो नहीं करता। विष्णु, दूसरा शो नहीं करता। अमरीश, डोमिनेंट शो नहीं करता। अमरीश, बायो ने जिंदगी में आग लगा दी है आपके। बायो ने क्या कर दिया है आपको, ये बताइए। सेकेंड ऑप्शन, बहुत लोग, हाँ तो चलिए देखिए, यहां पे एबीओ ब्लड ग्रुप ये शो नहीं करता, कौन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जो लोग कह रहे हैं डोमिनेंस शो नहीं करता, तो अभी मैं उनको बता देती हूं। चलो एकदम देखिए, ध्यान से देखिए, पहला मैंने क्या बताया, आई ए इज इक्वली डोमिनेंट टू आई बी, मतलब को डोमिनेंस तो हो गया, को डोमिनेंस तो हो गया ना। चलिए देखिए दूसरा, हमने कहा आई ए इज डोमिनेंट ओवर आई ओ, सिमिलरली आई बी इज डोमिनेंट ओवर आई ओ, तो ये डोमिनेंस ही तो हुआ, ये क्या हुआ, डोमिनेंस हुआ, है ना। जब भी आप इनका और इनका क्रॉस कराओगे तो यही आएगा, ये वाला एक्सप्रेस नहीं होगा, तो ये डोमिनेंस है। और तीसरा ये क्या शो करता है कि आई जीन के 3 अलील्स हैं, आई ए, आई बी और आई ओ, मतलब ये मल्टीपल अलील्स है, मल्टीपल है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहीं है, नहीं है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो कहीं नहीं है ना, ये सवाल पूछा जा चुका है, ये सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब भाई दोनों का मिक्सचर और दोनों मिक्स होके कोई अलग कैरेक्टर थोड़े बना रहे हैं। अगर आप ये कहना चाहते हो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो हो रहा है, तो क्या कोई अलग कैरेक्टर बन रहा है, नहीं ना, ये शो हो रहा है, ये शो हो रहा है, ये शो हो रहा है, इज इट क्लियर। ये नीट में अभी शायद इसी पिछले साल ही पूछा जा चुका है, और उसमें आपको ऑप्शन दिया था ए एंड बी, ए बी एंड सी, ए बी सी, इस तरीके से बी सी डी ऐसे दिया था आंसर, ऑप्शन ऐसे दिया था, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछा था कि इसमें से कौन शो नहीं होता है, उसमें कॉम्बिनेशन दिया हुआ था। ओके, 2019 में पूछा गया था, हाँ चलिए।
इज इट क्लियर? क्या आपको यहां से चीजें समझ में आ चुकी हैं? अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है। अगर हम बात करें मल्टीपल एलील्स की अगर हम बात करें, तो मल्टीपल एलील्स, अब इसको देख लेते हैं, ऑलवेज शो इन पॉपुलेशन। अब ये लाइन बच्चों को पता नहीं क्यों जल्दी समझ में नहीं आती। एनसीईआरटी में ये लाइन दी हुई है कि मल्टीपल एलिलिज्म जो होता है हमेशा पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, किसी एक व्यक्ति के अंदर नहीं देखने को मिलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मल्टीपल एलिलिज्म होने के लिए एटलीस्ट 2 पर्सन की जरूरत होगी, एटलीस्ट मिनिमम 2 पर्सन की जरूरत होगी, मिनिमम 2 पर्सन। मल्टीपल एलिलिज्म होने का मतलब ये है कि आई ए भी हो, आई बी भी हो, आई ओ भी हो, ये तीनों क्या एक व्यक्ति में देखने को मिलेगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें आई ए भी हो सकता है, आई ए आई ओ हो सकता है, तो दो ही यहाँ पे देखने को मिलेगा एलील्स। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें आई बी हो सकता है, आई बी हो सकता है उसका जीनोटाइप, या फिर आई बी आई ओ हो सकता है, यहाँ पे भी दो ही टाइप के एलील्स हैं। अगर किसी का ए बी है तो वहां पे आई ए आई बी होगा, और अगर किसी का ओ है तो वहां पे आई ओ होगा। तो किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी पर्सन के अंदर मैक्सिमम 2 ही एलील हो सकते हैं। तो मल्टीपल एलील अप्लाई कहाँ होता है? मल्टीपल एलिलिज्म को अप्लाई होने के लिए एटलीस्ट 2 पर्सन की जरूरत है, एटलीस्ट 2 पर्सन। जैसे मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ए है और आपका ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है? तो मान लीजिए मेरा जीनोटाइप आई ए है और आपका जीनोटाइप आई बी आई ओ है, तो दोनों को मिला के 3 एलील्स हो जाएंगे, आई ए आई बी आई ओ। तो मल्टीपल एलिलिज्म को शो होने के लिए एटलीस्ट 2